एक ब्रह्मज्ञानी थे, उनका चेला भी ब्रह्मज्ञानी, गुरुजी ने सिखाया सब में ब्रह्म देखा कर, सब में और अपने में भी। अब वो हमेशा कहे मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्म। अच्छा है, कुछ सत्संगी उनके पास बैठते। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत के कंट्रोल से बाहर। महावत ने कहा भैया संभलना, हाथी बिगड़ गया, हाथी बिगड़ गया। सत्संगी भागे कि चलो चले महाराज। वो बोला काहे को जाना, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सुख को क्या बोल बिगाड़ेगा, क्यों बोलेगा। तो बाकी सत्संगी बोले तुम ही बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। वे तो चले गए, वो खड़ा हो गया। महावत ने कहा कि हाथी बिगड़ा हुआ है। अरे बोला हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। महावत मना करता रहा, वो नहीं माना, खड़ा रहा। हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर गिरा, हड्डियां टूट गई, जान बच गई, यही बहुत थी। सत्संगी लोग पकड़ के ले आए गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा चोट का चोट बहुत गहरी लगी है, आपका ज्ञान झूठा। क्यों, आप कहते थे कि सब में ब्रह्म, तो मैंने अपने में भी ब्रह्म देखा, हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया, अगर ज्ञान सच्चा तो। गुरुजी बोले हमने कहा था तुम सब में ब्रह्म देखना, तो वही तो कर रहे थे। अच्छा महावत ने मना किया था कि नहीं? हाँ महावत तो मना कर रहा था कि भाग जाओ भाग जाओ। तो कहा कि महावत में ब्रह्म नहीं था क्या? बोले हाँ महावत में भी था। तो बोले वही तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जब ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। अरे भाई ज्ञान को पूरी तरह स्वीकार करो। पर अभी तक कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। श्री राधिका जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उद्धव जी को, अद्वैत की बात तो करते हो पर मेरी बात सुनो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब अद्वैत ही अद्वैत है तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश, ऐसा थोड़े कि ज्ञानी अपने को ज्ञानी माने बाकी सबको अज्ञानी माने। वहां तो समान देख ही ब्रह्म समान सब माही। अभी तक कागु सुन्नी ब्रह्म थे, अमूर्ख हो गए, मूल परम सिख देव न माने से, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आने से। ये भगवान की लीला है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारा पक्ष बड़ा प्रबल है, सब स्वपक्ष तब हृदय विशाला। मैं श्राप दे रहा हूं सफत हो पंछी चांडाला, तो कौआ बन जा। अब सुन्नी ब्राह्मण शर्मा कौआ बन गए। अच्छा अगर कोई ब्रह्म नहीं बन रहा था तो कम से कम आदमी तो बने रहने देते उसे। कोई ब्रह्म नहीं बन रहा है तो आदमी बने रहने देते, कौआ बना दिया। लेकिन कागुसुन जी कहते हैं मुझे ना तो भय लगा ना मेरे मन में कोई दीनता आई, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, मैंने श्राप सिरोधार्य कर लिया और मुनि के चरणों में प्रणाम किया और चलने लगा उड़कर। क्यों? क्योंकि मुनि का कोई दोष नहीं था। अब ये भक्त की दृष्टि है, मुनि का कोई दोष नहीं था, ये तो कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रीत परीक्षा मोरी। ये तो कृपा सिंधु भगवान ने ही मुनि की मति को ऐसे भोली बनाकर मेरे प्रेम की परीक्षा कर ली। मैं उनको भी प्रणाम करके चला और जैसे ही प्रणाम करके चला तो मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, बोले बिहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोए, जेही जब रघुपति करही जस सो तस तेही छन होए। भक्त प्रत्येक
क्षेत्र में भगवान की लीला ही देखता है, कृपा ही देखता है। भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी और मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ। काग भुसुंडी, भुसुंडी काग भुसुंडी हो गए, तुम्हें दुख नहीं हुआ, मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें गिलानी नहीं हुई, तुम इतनी शांति से उड़कर चल दिए। काग भुसुंडी जी बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा के हमें कौआ बना दिया। देखो भक्त की एक विशेषता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है। तीन महात्मा और तीनों के साथ एक जैसी घटना घटी और भगवान की कृपा देखते रहे। संत तुकाराम जी, हे भगवान, तुकाराम जी जितने बड़े संत, उनकी भार्या पत्नी रखुबाई ठीक प्रतिकूल, इतनी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, रखुबाई गई पानी भरने, लौट कर आई, चार सत्संगी बैठे। बोली, निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं, सवेरे से आ गए सत्संग करने, अब बैठे मिल गए तो एक को नहीं बचने दूंगी मैं। और बड़े क्रोध में गई सत्संगी, घबराए। तुकाराम जी बोले, बैठे रहो। उधर से आई घड़ा पानी का सिर पे लेके, देखा फिर बैठे थे। इतना क्रोध, उसने घड़ा ही तुकाराम के सिर पे पटका, सिर पे पटका, घड़ा फूटा, पानी बिखर गया, सत्संगी घबरा गए। तुकाराम बोले, देखो जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है, पहले गरज गई अब आई सो बरस गई। हाँ बोलो। एक बार गन्ना बेचने गए, रास्ते में बाल भगवान को देखकर गोविंद भगवान की याद आई, सब गन्ने बांट आए, लौट कर आए, एक गन्ना बचा। पत्नी ने कहा, आज तो गन्ने बिक गए, भगवान मिल गए थे उनको दे दिए, तो एक गन्ना काहे को लाए, एक बचा है। पत्नी ने वो गन्ना लेकर तुकाराम की पीठ पर मारा, दो टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, तुम बड़ी समझदार हो, हम तुम दो थे, गन्ना एक था, दो टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो एक मैं चूस लेता। ऐसी स्थिति में तुकाराम जी रहे और कहते, क्या भगवान आपकी बड़ी कृपा जो ऐसी पत्नी दी, क्यों अगर थोड़ी भी अनुकूल होती तो मन आप में नहीं लगता, पत्नी में ही लग जाता, अब आप में मन लगाया, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और एक नाथ जी को पत्नी बिल्कुल अनुकूल मिली, जैसा एक नाथ जी कहें पत्नी वैसे ही करने को तैयार। तो एक नाथ जी कहते, भगवान आपकी बड़ी कृपा, इतनी अनुकूल पत्नी दी है कि आपकी भक्ति पूजा पाठ सेवा सत्संग में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचती, आपकी बड़ी कृपा। अनुकूल पत्नी मिले तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल मिले तो भगवान की कृपा। और नरसिंह जी की पत्नी का देहावसान हो गया तो कहने लगे, भगवान की बड़ी कृपा, जो कुछ झंझट था वह भी नहीं रहा, अब कोई दायित्व नहीं रहा, अब तो भजन ही करेंगे। तो भगवान की कृपा प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाले लोग धन्य होते हैं, धन्य होते हैं।